फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सारे व्यूवर्स को विश यू अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। संक्रांति के मौके पे मैंने अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में तिल की रेसिपीज़ मीठे डिश में बनाई हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज मैं संक्रांति के मौके पे तिल की तीखी तीखी चटपटी चटनी और यूपी स्टाइल में मैं तहरी बताना सिखा रही हूँ। आइए तो इसकी रेसिपी देखते हैं। यूपी स्टाइल तहरी बनाने के लिए मैंने ये 4 चम्मच तेल लिए हैं, जिसमें से 1 चम्मच तेल मैं पहले इसमें डाल दूँगी और 3 चम्मच हम बाद में यूज़ करेंगे। यूपी में जनरली जब हम लोग तहरी बनाना स्टार्ट करते हैं, हम बरी को ज़रूर यूज़ करते हैं। बरी चाहे घर की बनी हो भी सकती है और चाहे ये रेडीमेड बाहर की भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने ये 4 बरियाँ ली हैं, इनको हम इसी तेल में फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो है। देखिए तो बरी हमारी इस तरह लाल हो गई है, इनको हम एक बाउल में पहले निकाल लेंगे। तहरी के लिए मैंने देखिए कुछ सब्जियां ली हैं, जो तेल हमारा भी बचा हुआ था बरी डालने के बाद, उसमें हम ये डाल के 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। मैंने 1 बड़ी गाजर ली है जिनको छोटा काटा है, 3 से 4 मैंने बीन्स लिए हैं जिनको मैंने इस साइज़ में मैंने काट लिया है। मेरे पास थोड़े से कॉर्न थे, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। मैंने इनको लिए हैं 2 बड़े चम्मच और 1 बड़ा आलू मैंने लिया है जिनको थोड़ा मैंने इस तरह से बड़े पीसेज में काट लिया है, और आधा बाउल मेरे पास मटर है। अब इन सारी सब्जियों को हम उसी तेल में डाल के 3 से 4 मिनट सौते करेंगे। सारी सब्जियाँ इसमें धीरे धीरे करके डाल लेंगे फ्राई करने के लिए। सब्जियां तो मैंने ली है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, गोभी वगैरह भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए सब्जियां हमारी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, 3 से 4 मिनट हो चुका है हमें इनको फ्राई करते। देखिए ये सारी सब्जी मैंने एक प्लेट में इस तरह निकाल ली है। जो हमारे तेल बाकी थे अब हम उनको ऐड करेंगे, क्योंकि हमको इसमें मसाला फ्राई करना है। तड़के के लिए मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं, 3 से 4 मैंने साबुत लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची ली है जिसको मैंने बीच से तोड़ लिया है, 1 छोटी प्याज को मैंने ऐसे महीन लंबा काट लिया है, और 1/2 चम्मच मैंने जीरा लिया है। तेल हमारा देखिए गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे और तेज पत्ता डालेंगे, साथ ही साथ हम इसमें इलायची और प्याज भी डाल देंगे। हमें ये प्याज थोड़ा हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को थोड़ा लंबा रखेंगे और बारीक काटेंगे, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, बिल्कुल महीन और छोटे मत करिए इनको। इस तरह से हम इनको थोड़ा लाल कर लेंगे। मैंने देखिए एक मीडियम साइज़ प्याज ली है, 5 से 7 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, 1 इंच अदरक लिया है और 2 मिर्चें ली हैं। इनको पीस के मैंने इनका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। देखिए प्याज हमारा ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इस पेस्ट को इसमें ऐड करेंगे। तहरी बनाने में बहुत ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं होता, पर आप हमेशा एक प्याज को तड़के में डालिए और थोड़े से मसालों को आप पीस करके डालिए, इससे इसका फ्लेवर और इसका टेक्सचर तहरी का बहुत ही अच्छा आता है। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हमें मसाला भूनते। अब हम ये एक मीडियम साइज़ टमाटर लेंगे जिसको मैंने छोटे पीसेज में काटा है, इनको भी हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए जब तक हम टमाटर फ्राई कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमें इसमें कुछ मसाले भी डालने हैं, जिसमें मैंने 1/2 चम्मच मैंने हल्दी लिया है, 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है, 1/2 चम्मच मैंने लाल पिसा मिर्चा लिया है, 1/2 चम्मच मैंने ये धनिया पिसी हुई ली है, 1/2 चम्मच मैंने पिसा हुआ जीरा लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक लिया है, और ये गरम मसाला है। जो नमक और गरम मसाले को छोड़ के मैंने बाकी सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, और अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी जिससे ये सूखा सूखा ना रहे और अच्छे से ये फ्राई हो जाए मसाले। देखिए 3 से 4 मिनट अब हम टमाटर को थोड़ा सा पकाएंगे, और साथ ही साथ जो मैंने मसाले डाले हैं वो भी इसमें भुन जाएंगे। देखिए इस स्टेज में मैंने कुकर का ढक्कन ऊपर से सिर्फ कवर किया है, लिड नहीं मैंने लगाई है, सिर्फ कवर किया है कि टमाटर थोड़ा सा गल जाए। देखिए जब तक हमारा टमाटर पक रहा है उसी स्टेज पे मैंने 1 बाउल करीब वेट में ये 200 ग्राम मैंने बासमती चावल लिया है, जिनको अभी तक मैंने धो करके भिगोया नहीं था। जब तक ये पकेगा टमाटर, उसी बीच में इनको मैं तुरंत धो करके और इंस्टेंट यूज़ करूँगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, टमाटर लगभग हमारा पक चुका है, मसाले भी सारे हल्के भुन चुके हैं, उसमें फिर हम चावल ऐड करेंगे। अब हम सारी सब्जियां इसमें पहले ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें 2 बरी ऐड करेंगे, उसके बाद ये सारी सब्जियां इसमें ऐड करेंगे, और अब ये जो चावल मैंने धोया है इनको अब हम इसी में ऐड कर लेंगे। देखिए चावल को हम इसमें अच्छे से चला लेंगे। देखिए जिस बाउल से मैंने चावल लिया था उसी से मैं पानी का भी मेजरमेंट लूँगी। 1 बाउल मैंने चावल लिया था, इसमें मैं 1.5 बाउल पानी डालूँगी, और इसी स्टेज पर मैं घर का पिसा मैंने गर्म मसाला ऐड किया है, और अब हम नमक ऐड करेंगे। मैं 1 चम्मच इसमें देसी घी ऐड करूँगी, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा लेमन भी इसमें स्क्वीज़ कर दूँगी उसका जूस। इसका 2 मकसद है, एक तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा, और दूसरा इसमें चावल हमारे जितने रहेंगे वो पूरे खिले खिले आएंगे। और अब मैं इनको अच्छे से मिला दूँगी,
अब मैं इसमें कुकर का कवर लगाने जा रही हूँ लिड, और मुझे 3 सीटी इसमें चाहिए। पहली 2 सीटी हम हाई फ्लेम पे करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम में, और उसके बाद जो लास्ट 3री सीटी रहेगी हमारी वो लो टू मीडियम में रहेगी। तो ध्यान रखिएगा कि 3 सीटियाँ हमें इसमें करनी है। जब तक हमारी सीटी आ रही है कुकर में, तब तक हम चलिए तिल की चटनी स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। इसके लिए मैंने 2 चम्मच तिल को पहले हल्का सा सूखा ड्राई इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। 10 से 15 मैंने फांकियाँ लहसुन की ली हैं और 4 मैंने मिर्चें लिए हैं। जब ये पिस जाएगा उसके बाद हम इसमें आधा नींबू डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम इसमें नमक डालेंगे। ध्यान रखिएगा थोड़ी सी ये चटनी तीखी होती है और इसमें लहसुन का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा होता है। देखिए तो ऐसा इसका पेस्ट आया है, इसमें मैंने नमक और आधा नींबू मिला करके इसको तैयार कर लिया है। देखिए 3 सीटियाँ इसमें बन चुकी हैं, फ्लेम मैंने अब बंद कर दिया है और अब हम इसे नॉर्मल कूल डाउन होने देंगे। देखिए तो जब प्रेशर हट गया कुकर का तो मैंने इसका कैप खोला है। तहरी हमारी कितनी बढ़िया बन के तैयार है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इस कंडीशन पे हम इसको तुरंत सर्व नहीं करेंगे, सबसे पहले आप इसको हल्का सा ऐसे चला लीजिए। इससे क्या होता है इसमें एक्सेसिव इसमें हीट बची रहती है, ये निकलने के लिए थोड़ा सा हम इसको ऐसे लूज़ कर लेंगे यूँ, और उसके बाद कुकर के लिड को आधा हम ऐसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट कि इसके जितने देखिए कि भाप निकल रही है, मॉइस्चर इसका निकल जाए, फिर हम इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह सा थोड़ा सा खोल के हम इसको 3 से 4 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। देखिए तो ये पूरी रेडी है, अब हम इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए तो मैंने अपनी चटपटी और तीखी तहरी को प्लेटिंग किया है इसी तिल की चटनी के साथ, एक आम के अचार के साथ और बरियों के साथ जो मैंने फ्राई की थी। वाओ कितनी अच्छी लग रही है, देखिए कितनी यमी एंड सुपर टेस्टी गर्मा गर्म तहरी। और एंड में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे। तो इस संक्रांति आप भी लुफ्त उठाइए यूपी स्टाइल तीखी चटपटी तहरी और तिल की चटनी के साथ। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।